धोनी के चाहने वालों को मिल गया सबसे बड़ा खजाना, याद रखेगा सारा जमाना। एक झटके में बीसीसीआई ने लिया ऐसा फैसला, रोहित कोहली भी हो गए दंग, अब धोनी करेंगे आईपीएल में गेंदबाजों को बेदम। इधर माही की पावर ने क्रिकेट जगत को हिला डाला, उधर बीसीसीआई के फैसले ने सबको चौंका डाला। नीता अंबानी से लेकर काव्या मारन सोच भी नहीं सकी, बीसीसीआई ने मानी धोनी की बात, अब खेल का बढ़ेगा रोमांच। माही के लिए क्यों बदला बीसीसीआई ने अपना नियम, सामने आई पर्दे के पीछे की कहानी। सोशल मीडिया पर फैंस का जोश हाई, धोनी के लिए बोली ऐसी ऐसी बात जैसा भी देखकर होगा हैरान। न नीता अंबानी ने सोचा न काव्या मारन सकी जान, एक झटके में बीसीसीआई ने ऐसा फैसला लिया जिसने धोनी के चाहने वालों को नाचने पर मजबूर कर दिया है। रोहित कोहली उधर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे थे कि इधर आईपीएल में आए एक नियम ने सबको हिला डाला, यहां तक कि दुनिया भर के खिलाड़ी भी थाला की पावर को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि बीसीसीआई ने न सिर्फ नियम बदला बल्कि धोनी के लिए ऐसा काम कर दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीसीसीआई ने धोनी के लिए एक बड़े नियम को बदल डाला है। दरअसल बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन और अगले सीजन से जुड़े अहम नियमों का ऐलान कर दिया और इस बार खिलाड़ियों के रिटेंशन की संख्या को 4 से बढ़ाकर 6 कर दिया है, जिसकी मांग ज्यादातर फ्रेंचाइज कर रही थी। साथ ही इस बार ऑक्शन फर्श में भी बढ़ोतरी हुई है, जबकि पहली बार मैच फीस देने की शुरुआत भी हुई है। इतना ही नहीं, बोर्ड ने उन खिलाड़ियों पर भी नकेल कसने का ऐलान कर दिया जो ऑक्शन में बिकने के बावजूद सीजन शुरू होने से ठीक पहले अपना नाम वापस ले लेते हैं। ऐसे खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर बैन लग जाएगा। हालांकि सबसे बड़ा फैसला आईपीएल में अनकार प्लेयर नियम को फिर से लागू करने का फैसला किया गया है, जिसकी मांग चेन्नई सुपर किंग्स कर रही थी ताकि एमएस धोनी को रिटेन किया जा सके। इस नियम के बदलने से धोनी के फैंस गदगद होते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बोर्ड ने कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन करने का नियम रखा है। जहां इसका फायदा आमतौर पर युवा खिलाड़ियों को मिलता है, वहीं उन खिलाड़ियों को भी मिलता है जिन्होंने अभी तक टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया, वहीं इस बार इसका फायदा एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स को मिल सकता है, जिसका इंतजार धोनी के हर चाहने वालों को था। बता दें कि धोनी ने अगस्त 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन वो जुलाई 2019 के बाद से ही इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर थे। ऐसे में मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से अलग हुए 5 साल हो चुके हैं। इस तरह उन्हें अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रिटेन किया जा सकता है। अनकैप्ड प्लेयर के लिए अभी भी रिटेंशन फीस 4 करोड़ रुपए। ऐसे में सीएसके धोनी को सिर्फ 4 करोड़ रुपए देकर रिटेन कर सकती है, जिसके चलते एक तो वो उन्हें टीम में बरकरार भी रख पाएगी और साथ ही उन पर ज्यादा रकम खर्च करने की जरूरत भी नहीं होगी। असल में ये नियम आईपीएल की शुरुआत से ही लीग का हिस्सा था, लेकिन कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए 2021 में इसे खत्म कर दिया गया था। अब फिर से इसे शुरू करने का फैसला किया गया है और इसकी एक बड़ी वजह धोनी को बताया जा रहा है। असल में जुलाई में बीसीसीआई और फ्रेंचाइज मालिकों के बीच रिटेंशन नियमों को लेकर बैठक हुई थी। तब रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सीएसके ने इस मीटिंग में बीसीसीआई से फिर से अनकैप्ड प्लेयर वाले इस नियम को शामिल करने की मांग की थी ताकि धोनी को अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रिटेन कर सके। हालांकि फ्रेंचाइज ने ऐसे दावों को खारिज किया था, लेकिन अब बीसीसीआई ने नियम को मानते हुए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। इसके साथ ही जय शाह ने धोनी समेत देश भर के सभी खिलाड़ियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। खबरों की माने तो अब हर खिलाड़ी को फ्रेंचाइज के फीस के साथ अब बीसीसीआई भी मैच खेलने के लिए पैसे देगी, यानी दोनों तरफ से चप्पड़ फाड़ पैसों की बारिश होगी।